मथुरा में ऐतिहासिक मूर्ति कला को पुनः स्थापित करने के लिए 10 दिवसीय कला शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ राजकीय संग्रहालय के सभागार में सांसद हेमा मालिनी ने किया। इस शिविर में जाने माने मूर्ति कला के शिल्पी 10 दिनों तक यहां रहकर महान संत की मूर्तियां बनाएंगे। राजकीय संग्रहालय के सभागार में आयोजित मूर्ति कला शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद हेमा मालिनी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रताप संयुक्त रूप से माँ सरस्वती के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत संग्रहालय के उप निदेशक यशवंत सिंह राठौर ने पटका पहना कर व राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर किया। तो मुझे भी बहुत आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट, एक कलाकार होने के नाते मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ बैठ के छोटे लेकर आके हम कुछ न कुछ बनाते हैं। तो उसमें मैं काफ़ी कोशिश करके बच्चों को, जब आप लोग का समय मिलेगा आपके पास आकर बैठ के देखना भी चाहती हूँ, मैं भी सीखना भी चाहती हूँ। और ये जो आइडिया है कि पुराना जो शिल्प है उसको फाइबर में ट्रांसफॉर्म करेंगे। कार्यक्रम में लाभार्थी महिलाओं को टूल किट वितरित की। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वावलंबी और रोजगार प्रदान करना है। मथुरा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग व उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा व संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश तथा राजकीय संग्रहालय मथुरा द्वारा शहर के डैम्पियर नगर स्थित राजकीय संग्रहालय में आयोजित 10 दिवसीय मूर्ति कला शिविर का आयोजन किया गया। मूर्ति कला शिविर 27 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। सी न्यूज के लिए ओमवीर चौधरी की रिपोर्ट।